भस्त्रिका प्राणायाम का आज हम लोग तरीका सीखेंगे, उसका अभ्यास भी करेंगे। लाभ है दमा की बीमारी, हाथ की बीमारी, सांस की बीमारी, चर्म रोग की बीमारी, चेहरे पर कील मुहासा दाग धब्बा है उनके लिए, और नस नाड़ियों की समस्याओं को ये समूल नाश करता है। तो हम लोग कोई भी प्राणायाम करेंगे तो ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। किस मुद्रा में बैठेंगे? ध्यान मुद्रा में। पीठ सीधा रहेगा, नाक के दोनों छिद्रों से सांस को भरेंगे, पेट में नहीं भरेंगे, केवल फेफड़ा में भरेंगे। डायफ्राम हमारा फैलेगा जब सांस भरेंगे, तो सांस को छोड़ेंगे तो हमारा डायफ्राम सिकुड़ेगा, यानी सीना फैलेगा और सीना सिकुड़ेगा। और ये 5 मिनट तक करेंगे, 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस भरेंगे और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, बाहर करेंगे। तो आइए सभी सीधे बैठ जाइए और सब लोग आंख बंद कर लीजिए और धीरे धीरे सांस को भरिए, धीरे धीरे छोड़िए। 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को भरना है और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को बाहर करना है। सभी शुरू कर दीजिए। सबकी आंखें बंद हो, कोई आंख नहीं खोलेगा। सब कोई समझिए कि हम लोग आदमी के बाल बच्चे हैं। मुंह बंद, नाक से धीरे धीरे पकड़ रहे जगह। प्राण वायु से हम अपने आयु को बढ़ाते हैं। जब प्राण भरते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में भरता है। धीरे धीरे प्राणवायु को भरेंगे, धीरे धीरे प्राणवायु को छोड़ेंगे। आज हम लोग जीवन में पहली बार प्राण देवता की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं कि हे प्राण देवता। ये आप कितने महान हो, प्राण कितना महान है, कितना शक्तिशाली है कि प्राण यदि निकल जाए तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। हमसे प्रेम करना लोग छोड़ देते हैं और हमें ले जाकर के शमशान घाट में जला देते हैं, कोई दफना देता है। यदि हमसे कोई प्रेम कर रहा है, कोई हमारा इंतजार कर रहा है, तो वह सांसों के कारण कर रहा है। इसलिए सांस को आप लोग पूरा पूरा भरिए और पूरा पूरा छोड़िए, जिससे कि आपका प्राण मजबूत हो जाए और 100 सालों तक आपका प्राण नहीं निकले और आप जिंदा रहें बिना बीमारी के। अथ योगानुशासनम महर्षि पतंजलि का पहला ही सूत्र है। हम जीवन की कोई भी कार्य को अनुशासन में करते हैं। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, यानी चित्त यानी मन और वृत्तियां यानी मन में उठने वाले लहर तरंगों को जब हम निरोध कर देते हैं, रोक देते हैं, तो योग हमारा सिद्ध होने लगता है, योग प्रारंभ होने लगता है। अब इस अभ्यास को आंख खोल लीजिए और इसको मध्यम गति से करेंगे, ऐसे। पूरा भरिए, पूरा छोड़िए। नाक से आवाज निकले ऐसे लगे कि नाक फुफकार रहा है। मुंह बंद, मुंह को बंद रखना है। गलती करेगा तो उसका गलती भुगतना पड़ेगा, हानि होगा। कोई भी अभ्यास विधि पूर्वक करना है बेटा। हम लोग तो थोड़ा बाया दे, मुंह कर लेते हैं, फिर बाया ले जाए, कर ले जाए उधर ही। अब तीव्र गति से करिए। Thank you.
मुंह बंद, नाक से सांस भरिए, छोड़िए, आंख बंद कर लीजिए। आंखें बंद, नाक से सांस लेना छोड़ना है। पूरा जोर जोर भरिए, पूरा जोर से छोड़िए। मुंह बंद, बेटा काट।